जय माता दी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठा दिया था मुझे, वो बहन को छोड़ने जाना था, तो उसकी भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी सुबह सुबह बस के पास, तो देख लेना। और अभी उठ चुके हैं, मंदिर में मत्था टेक लिया है, अपने प्यारे से घर में मंदिर बना हुआ है उसी में मत्था टेक लिया, और अभी चलते हैं। कल कचौड़ी मिस हो गई थी, दिखाना रह गई थी, तो अभी ले के आते हैं, फटाफट खाते हैं। और आज पैकिंग भी करनी है क्योंकि कल घर वापस, घर कह रहा हूँ यार, हॉस्टल वापस जाना है। वैसे घर ही है, दूसरा घर मान सकते हैं, बट वहाँ से लगाव ज़्यादा हो गया थोड़ा। अब 2 महीने बाद छोड़ना है, तो वो लगाव भी थोड़ा हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर मुश्किल हो पाएंगे। जाएगी। हाँ, मुश्किल हो जाएगी। तो अभी चलते हैं फटाफट, कचौड़ी लेके आते हैं और खाते हैं। और सुबह से सबके मैसेज भी आ जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, तो सबको थैंक यू कर कर परेशान हो गए हैं। एक बार सबको ऐसा होता ना कि इकट्ठा मैसेज कर देते थैंक यू, तो वो सिस्टम है नहीं। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं, फिर लेके आते हैं कचौड़ी। तो गाइस, अभी व्लॉग स्टार्ट नहीं करा है, इसको सुबह सुबह छोड़ने आए हैं, स्कूल की बस आने वाली है इसकी। अभी व्लॉग बाद में शुरू करना है, पर देख लीजिए इसकी ड्रेस, दिखा दीजिए अपनी ड्रेस, पीछे हुई है ना थोड़ा, ऐसी ड्रेस अब कम ही देखने को मिलती है स्कूल में। इसे क्या बोलते हैं इस ड्रेस को, पता नहीं। हमारे टाइम पे शर्ट और पैंट चलती थी, अब चेंज कर दिया तो मैंने भी वही पहनी है। अब कितनी देर में आएगी बस, मुझे क्या पता। देखो बस की टाइमिंग नहीं पता, चल इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह 7 बजे उठा दिया इसके पीछे, हॉस्टल में होता तो आराम से उठता। गाइस, ले आए हैं कचौड़ी, और ये देखिए ये होती है कचौड़ी, मतलब देखी होगी पहले। अब यहाँ पर भी कचौड़ियों की वैरायटी है अलग अलग, ये बड़ी कचौड़ी, छोटी कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, दाल कचौड़ी, बहुत सारी कचौड़ियाँ आती हैं। तो कल हमने छोटी कचौड़ी खाई थी, आज भजी बड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, और ये सब्जी है, और मम्मी भी खा रही है कचौड़ी। ये 3 मेरी नहीं है, 2 मेरी है, 2 मम्मी की है। और फटाफट खाते हैं इससे पहले कि ठंडी हो जाए। देख रहे हो कितनी वैरायटी है, अगर कचौड़ी की इतनी वैरायटी है तो और खानों की कितनी वैरायटी होगी सोच लो। फिर दिल्ली जैसे शहर में आपको खाने की कभी कमी नहीं हो सकती, 24 घंटे खाना मिलता है, और जब चाहे जो मर्जी चाहे कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी, बस मुँह से बोलना है वो चीज़ आ जाती है घर पर, बस। देखा, ऐसे शहर में रहने का मज़ा है, पर अलग ही वो है, थोड़ी तकलीफें भी होती हैं। चलो खाते हैं फटाफट, ठंडी ना हो जाए। तो दोस्तों, सुबह से सोच रहे हैं कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, मतलब वहाँ दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं ना खाने पीने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि घर जाइयो तो लेके आइयो। तो अब बड़ा टेंशन है, क्योंकि मैं एक ही बैग लाया था, और एक बैग में इतनी सारी चीज़ें आएंगी, तो सोच रहा हूँ कि कालका से ही खरीद लूँ। मम्मी क्या कहते हो, कालका से ही ले लें है? मुझे नहीं पता, उठाना तू नहीं है। ये देखो आप, क्या हो गया आपको, इतना टेंशन में क्यों हैं, बोलोगे नहीं अब, कैमरा बंद हो जाएगा तो फिर चीखोगे आप हैं। चलो देखते हैं यार क्या हुआ। अभी तो बस वो लेके आते हैं प्रसाद मंदिर के लिए, कुछ मिठाई लानी है क्योंकि अभी चढ़ानी है, तो फिर फटाफट चलते हैं लेके आते हैं, और काल का मैं ही खरीद लूँगा सोच रहा हूँ। यहाँ से कौन उठा के लेके जाए, वहाँ पर एक मार्केट भी है तो मस्त सब मिल जाएगा वहाँ पर एक साथ ही। यहाँ से कोई मतलब सेम ही चीज़ है, यहाँ पर भी ख़रीदनी वहाँ पर भी ख़रीदनी, यहाँ से उठा के ले जानी पड़ेगी घर से, वहाँ सीधा वहीं से वहीं ऑटो में ले जाऊँगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, और पार्टी तो देनी है वैसे भी, जाके इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ के बच्चे दोस्त यार सब। अगर वहाँ, अरे पहले तो वहाँ जाके मार ज़रूर पड़ेगी, 21 साल का हो गया अब, 21, देखो क्या होता है, डर वैसे लग रहा है। मेरे को लगा नहीं मारेंगे, बट अब
फोन आया था रात में कि आ जा भाई फटाफट, इंतजार कर रहे हैं हम। ये देखो ये देखो ये देखो, मुंह सड़ गया, मुंह सड़ गया, फिर भी खाना है, हैं? अभी गाइस बाहर से आलू तलवा के लाने से बढ़िया, इससे बढ़िया हमने सोचा कि घर पे तल ले, घर पे ज्यादा हेल्दी बनते हैं। खाया कर घर का खाना। रोज जूस पीती हूँ मैं। तो जूस पीने से क्या होता है? हेल्दी। बनाना शेक पिया तो मैंगो शेक पियाती होगी। मम्मी बताओ क्या पीती हूँ मैं? क्या पीती है मम्मी? जूस, मिक्स फ्रूट। मिक्स फ्रूट हाँ। कितने का आता है? 50 का मीडियम। नहीं क्या हंस के रहे? मैंने बस पूछा था कितने का था 50 का मीडियम। कहाँ से पीती है? अगर ट्यूशन के पास वाला 60 का मीडियम देता है, इधर वाला 50 का। तो ऐसे करिए जैसे वो रेडी वाले से जाके पूछते भैया कितने का है, 50 का मीडियम, 100 का लार्ज। अरे जो भी है, कोई नहीं पता। मिक्स फ्रूट ही पीती है बस, कोई फायदा नहीं है भाई। मिक्स फ्रूट के बाद जो ये पेलती है ना तू, ये सारा एक साथ खाया हा? और तू? मैं तो खाता ही नहीं। 7 दिन नवरात्रे में, 8 दिन नवरात्रे भी रखा है। तो यहाँ तू पेल रही होगी, घर पे खाना पूरे साल थोड़ी ना चलते हैं। दो बार तो आते हैं। हाँ तो दो बार आते हैं बस, वो नवरात्रों में ही बंद करता है, वैसे तो तू खाता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बंद कर देंगे, अभी ये गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, खाने दो। देखो भाई जब हम घर पे आते हैं तो मम्मी का थोड़ा काम आसान हो जाता है, बाहर से खाना आ जाता है ना, इसलिए मम्मी का थोड़ा काम आसान होता है, रोटी भी आ जाती है। हाँ आपका माँ का हाथ का खाना तो मम्मी माँ का हाथ है, ये तो बाहर के हाथ का है। माँ के हाथ का तो सुबह 20 पराठे ऑर्डर के। कैसा लग रहा है मम्मी, 20 पराठे इकट्ठे पैक करे कोई? हाँ। कब करे? अयोध्या गई थी जब। वो तो फ्रेंड्स गए थे ना, बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए, ये भी फ्रेंड्स ही है ना, तेरे फ्रेंड्स हैं तो बच्चे हैं। गाइस स्पेशल डिमांड पे पैक करवाए जा रहे हैं। नीचे किसी ने बोला था, वीडियो देख रहा होगा तो वो कमेंट कर ही देगा, बाकी तो मम्मी बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त। वहाँ पर मम्मी मिलते भी नहीं है घर के पराठे की, पता कितनी याद आती है। घर का पराठा होता है, ऊपर से अचार और कुछ और मिल जाए बस जिंदगी बन जाती है। वैसे भी 2 महीने बाद छोड़ देना, अब थोड़ा हौसला दो कि हम एकदम उस यादों को भुला पाए थोड़ा सा, कि हम बड़े हो गए हैं, स्कूल वाले टाइम भूल गए ना। अरे जैसे जैसे आगे बढ़ो। ये रोटी मैं ले आता हूँ, जाओ रोटी और प्याज हम ले आते हैं, एक हाथ से उठेगा नहीं, रुक जाओ। तो गाइस आज का व्लॉग यही एंड होता है, अब सारे सोने के लिए जा रहे हैं और सुबह जल्दी भी उठना, वापस भी जाना है, ट्रेन है सुबह 7:40 की। ये देखो सो गए हैं सारे, और इसने थोड़ी सी लड़ाई कर ली है और मुंह फूल गया इसका, ये होता रहता है घर में भाई बहन के बीच में, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कल सुबह मम्मी की परेड होने वाली है, क्योंकि सुबह 20 पराठे का ऑर्डर है। अरे हॉस्टल में मिलते नहीं है ना घर के पराठे, इसलिए बोल रहे थे लाने के लिए, तो मैंने कहा ले जाऊंगा। और कुछ सामान वामान नहीं ख़रीदा, कल कालका में ख़रीदेंगे। वो तेल वगैरह लेना है, शैम्पू भी ख़त्म है, वो भी लेना है, यहाँ से लाया नहीं, वही कालका से उतरेंगे जब ट्रेन से ले लेंगे। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करते दोस्तों, कुछ खास बर्थडे मनाया नहीं, अब वो बात नहीं है बर्थडे मनाने वाली कि धूमधाम से ये करे वो करे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, हमने ठीक है ना, अब बड़े हो गए हैं, अब बर्थडे ऐसी, हाँ जब टाइम मिलेगा मौका मिलेगा तो मनाएंगे धूमधाम से, अभी तो कोई वो नहीं है। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। बस गाइस अब आपसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।